मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हिजाब पहनने से अगर रोका गया तो टुकड़े टुकड़े कर देने वाले विवादित बयान अब सामने आए हैं। ये बयान कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता मुकर्रर खान ने दिया है। कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मुकर्रर खान के खिलाफ कलबुर्गी में हिजाब पर दिए बयान पर FIR भी दर्ज की है। पुलिस ने खान के खिलाफ IPC की धारा 153A, 298, 295 के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस नेता मुकर्रर खान का जो वीडियो सामने आया था उसमें वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों का हिजाब पहनने से अगर कोई भी रोकेगा तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस बयान को लेकर उन पर ये FIR दर्ज किया गया है। आपको बता दें देश भर में कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब हो रहा है और इसी संदर्भ में लगभग पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और अब ये विवादित बयान जिस तरह से सामने आया है और कांग्रेस के नेता मुकर्रर खान पर FIR भी दर्ज की गई है। पहले सुनिए कि उन्होंने किस तरह का बयान दिया था। भारत साहित्य ನಮಗ ಹಿಜಾಬು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಆಗಣ? ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ? ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಸಾಯವರೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಏನನ್ನ ನೀವು ಧಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಬೇಡ? ನಿಮ್ ಜಾತಿ ನೀವು ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ದೂರ ಹಾಕಿರಪ್ಪ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದೀವಿ, ಭಾರತೀಯ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವನ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ